बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम रिव्यू करने जा रहे हैं ग्री रेफ्रिजरेटर्स का। ग्री ने रिसेंटली 2018 मई में लॉन्च किए हैं फ्रिज, और इन्होंने बहुत अच्छा कदम जो है ना वो फ्रिज की तरफ उठाया है माशाल्लाह से। ग्री का एसी आपको पता है कि पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी में काउंट होता है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है इसका माशाल्लाह से। और अभी इन्होंने रेफ्रिजरेटर्स में कदम रखा है और इन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छे से लिया है, बहुत जबरदस्त इन्होंने फ्रिज लॉन्च किया है। तो हम आज बात करेंगे ग्री रेफ्रिजरेटर्स के मॉडल नंबर GR-340 GCB1 की। ये ब्लैक कलर में ग्लास डोर में है और बहुत जबरदस्त इनोवेटिव फ्रिज है, जो कि सैमसंग LG के स्टैंडर्ड लेवल को आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। बाकी छोटे मोटे जो हमारे पास चल रहे हैं, ओरियंट हायर फला फला जो भी है, सो इनसे हम इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी क्वालिटी दूसरी रेफ्रिजरेटर्स कंपनियों से अप है थोड़ी सी। तो इसको हम अगर कंपैरिजन करना चाहें, किसी से कंपैरिजन करना चाहें, तो आप सैमसंग LG वगैरह वगैरह से आप कर सकते। तो हम चलते हैं, इसका व्यू देखते हैं, इनसाइड व्यू हम देखते हैं फ्रिज का। अब इसका बॉक्स हम ओपन करते हैं, उठाते हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले इसकी अच्छी एक पैकिंग दी है, बहुत हैवी थिक इसकी जो है ना वो पैकिंग है ताकि डैमेजेस वगैरह ना हो। और जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, शॉपर इसकी हटाएंगे, तो इसका फ्रंट देखें माशाल्लाह से कितना जबरदस्त लुक है इसका, बहुत ही जबरदस्त लुक है इसका फ्रंट पे। और ये सेंटर में इसके ग्री का लोगो है, सामने फ्रंट पे जो स्टिकर लगा हुआ है इसमें सारी स्पेसिफिकेशंस दी हुई है कि ये मॉडल है इसका। तो ग्री रेफ्रिजरेटर्स में चार पांच चीजें जो है वो इनोवेटिव है, जो दूसरों से मुख्तलिफ है, जिसमें की यूरोपियन कंप्रेसर जो है वो कोई और कंपनी पाकिस्तान में यहाँ पे नहीं चला रही है, सिर्फ सैमसंग के अलावा यूरोपियन कंप्रेसर लगा रही है। डायनामिक एयर फ्लो इसमें फैन है जो टर्बो फैन कहलाता है, और उसके लो वोल्टेज स्टार्टअप है, इसमें RG600 एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस है, और इसका फ्रिज का साउंड जो है वो बनस्बत और कंपनी के फ्रिज से इसका साउंड जो है माशाल्लाह से बेहतर है और नॉर्मल है, कम है। अब हम चलते हैं इसका इन लुक जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसका फ्रंट लुक हमने अच्छे से देख लिया है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है। इन लुक की तरफ हम चलते हैं और ये देखें डोर, हमने ऊपर वाला डोर खोल दिया इसका, और इसमें ये वारंटी कार्ड रखा हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये देखें ये क्यूब, ये आइस क्यूब की स्लाइड है, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, और इसको आप यू मूव करके जो है ना मूव डाउन करके नीचे जो इसके ट्रे लगी हुई है उस ट्रे में आइस इसमें क्यूब जो है ना वो आइस ट्रे में गिर जाएंगे। ट्रे को आप स्लाइड बाहर निकालेंगे, खींचेंगे, तो आप इसे आसानी से आइस क्यूब को बाहर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, और ये अच्छी चीज है। ये हालांकि ये चीजें जो है ना ये फोर डोर रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं उनके अंदर दी जाती है। और इसकी बॉडी की थिक जो है वो बॉडी की थिक माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसमें कंडेंसर जो है ना वो हैवी लगा हुआ है। इसकी कूलिंग जो है ना वो -14-15 डिग्री तक आप इसकी कूलिंग आराम से जाती है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा फ्रिज है। और इसकी जो नीचे, अब नीचे वाले डोर में हम चले जाते हैं, तो नीचे में देखें इसमें जो स्लाइडें हैं वो सारी गिलास की लगी हुई हैं, हालांकि गिलास की स्लाइड्स जो है ना वो बहुत कम फ्रिज के अंदर लगाई जाती है। वो कुछ चंद कंपनियां इस तरह की हैं जो जिनके एक्सक्लूसिव मॉडल्स हैं, उसमें जो स्लाइड्स हैं, जो उसमें जो रैक्स हैं वो ग्लास के हैं, वैसे नॉर्मली ग्लास के रैक्स नहीं होते। अभी हम चलते हैं बैक साइड पे, बैक साइड पे हम जाते हैं। ये इसका देखें मोनोग्राम लोगो है, इसमें सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है कि इस कितने वाट लेता है, क्या है क्या नहीं है। ये नॉर्मली जो फ्रिज है आपको पता है कि एक 340, ये मॉडल नंबर है 340, ये ट्री है 220 का, वॉल्यूम जो है वो 342 लीटर वॉल्यूम है, रेटेड करंट जो है वो 60 एम्पियर है, 0.60 एम्पियर है, 1 एम्पियर से ये कम लेता है, और RG600 रिसाइकलिंग। ये QC पास्ट है, और इसमें बैक साइड पे जो रबड़ लगाई है बटरल रबड़, ये करंट फ्री है, ये करंट फ्री है, यहाँ पे आपको करंट लगने की खदशा जो है वो कम होगा। और ये कंप्रेसर देखें, यूरोपियन कंप्रेसर लगाया हुआ माशाल्लाह, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, जबरदस्त क्वालिटी है फ्रिज की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे लिए फख्र की बात है कि ग्री ने फ्रिज लॉन्च किए और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड इन्होंने फ्रिज में लॉन्च किया है। ये इसका पावर प्लग है, ये यहाँ पे। ओके दोस्तों, अभी हम दोबारा चलते हैं फ्रंट साइड पे, ये इसका वारंटी कार्ड को हम ओपन करके देख लेते हैं। वारंटी कार्ड के अंदर जो है ना वो सारी चीजें लिखी होती हैं, आपको पता है वारंटी कार्ड के दो पोर्शन होते हैं, एक जो है डीलर के पास रहता है, एक जो है वो कस्टमर के पास रहता है क्लेम के लिए। और इसकी जो वारंटी है वो टोटल 5 ईयर कंप्रेसर वारंटी है, 1 ईयर सर्विस एंड पार्ट की वारंटी है, और बहुत अच्छी वारंटी है इनकी, इसमें नहीं कुछ भी नहीं छोड़ो। तो ये इसकी गाइड बुक है, इसमें सारी चीजें मेंशन हैं कि इसको कैसे यूज करना है, सारी बहुत